नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हाजीपुर सीट की लड़ाई जो है आज खत्म हो सकती है। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई है आज बीजेपी खत्म कर लेगी। जहां एक तरफ भतीजा चिराग पासवान किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि विरासत की लड़ाई है और विरासत हमेशा बेटे की होती है, तो वहीं पर चाचा पशुपति पारस ने भी कल की बैठक में बीजेपी को दो टूक में कह दिया कि हाजीपुर की सीट जो है वो भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन थी, चाचा भतीजे की लड़ाई में कहीं इंडिया गठबंधन न टूट जाए इसका डर था। और यही कारण रहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो है वो कल दिल्ली में देर रात तक बैठक में शामिल थे। और बताया जा रहा है कि आज दूसरी लिस्ट जो जारी होने वाली है बीजेपी की, उसमें हाजीपुर सीट से किसे चुनाव में उतारना चाहती है बीजेपी, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि चाचा को हाजीपुर सीट देने बीजेपी जा रही है। वहीं पर चिराग पासवान को 5-1 का जो फॉर्मूला था उस पर बीजेपी मान सकती है। ये सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आ रही है हम आपको बता रहे हैं। लेकिन तेवर में चिराग पासवान है, चिराग पासवान को महागठबंधन से लगातार ऑफर मिल रहा है, महागठबंधन उन्हें हाजीपुर सीट देने के लिए तैयार है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी और चिराग पासवान को हाजीपुर सीट अगर नहीं मिलता है तो चिराग पासवान की जो नाराजगी है वो सार्वजनिक तौर पे देखने को मिलेगी और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। ये पशुपति पारस के गुट का कहना है, यानी कि पशुपति पारस के जो गुट है उन्होंने ये दावा किया है कि जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी होगी, दूसरी लिस्ट जारी होते ही सबसे पहले मोदी के हनुमान, यानी कि चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहलाते हैं, वो हनुमान अपने राम को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाएगा। यानी कि चाचा भतीजे की जो कुछ दिन पहले तक सरकार चल रही थी, जिसे चाचा ने टाटा बाय बाय करके एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, उसी एनडीए गठबंधन को चिराग पासवान छोड़ के, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान मिलकर सरकार में शामिल होंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और सरकार बनाने के लिए केंद्र में जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि हाजीपुर सीट किसे मिलेगी, लेकिन सूत्र जो है वो पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से पशुपति पारस ने कल अपना वक्तव्य रखा, अपना बयान रखा, उसके बाद जो हाजीपुर सीट है वो पशुपति पारस को बीजेपी देने जा रही है। चिराग पासवान का जो पत्ता है वो हाजीपुर से कट सकता है, जिसके बाद चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये सूत्रों की जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जैसे ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होती है तो हाजीपुर सीट का जो लड़ाई है वो कहां पर जाकर खत्म होती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।